हेलो फ्रेंड्स, आजकल ना काफ़ी लोग ऑनलाइन मनी मेकिंग की बातें करते हैं। बेसिकली पता सबको है कि ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग पैसा कमा भी रहे हैं। बट एक्चुअल में ना बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये बातें ऊपर ऊपर से पता है कि ऑनलाइन मनी मेकिंग होती है और बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, उनको नॉलेज प्रॉपर होती नहीं है कि ऑनलाइन मनी मेकिंग एक्चुअल में करनी कैसे है। तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पर उनका पैसा वेस्ट होता है। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा काफ़ी सारी क्वेरीज के बाद कि मुझे शायद अपनी अब अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन मनी मेकिंग के टिप्स को भी इंसर्ट करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ना फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को आज कुछ एक बेसिक टिप्स बताता हूँ, या कुछ एक आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ जिसे हम लोग एक्चुअल में ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं जितना कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, आप उतने कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको लगता है कि उस एक्चुअल में मेरे कंसेप्ट के अंदर कोई ना कोई बात है, या मेरे कंसेप्ट कहीं ना कहीं पर एक जेन्युइन आपको बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो आप बेशक इसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि अगर मेरे कंसेप्ट बेटर नहीं है, मेरे कंसेप्ट में आपको प्रॉपर नहीं बता पा रहा, तो आप बेशक मेरे कंसेप्ट को फॉलो नहीं कीजिए। बट हाँ, एक्चुअल में इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने भी बहुत सारी जगह पे काम किया ऑनलाइन मनी मेकिंग के। मैंने बहुत सारे काम किए, एफिलिएट मार्केटिंग में किया है, ईमेल मार्केटिंग में किया है। तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ अब बन चुका है, मैं उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली ऑनलाइन मनी मेकिंग जो है, ऑनलाइन मनी मेकिंग एक्चुअल में, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि येस, इट्स अ जेन्युइन कंसेप्ट। एक्चुअल में ऑनलाइन मनी मेकिंग होती है, बट होती कैसे है, वो करने के लिए ना हम लोगों के पास एक जेन्युइन आइडियाज भी होने चाहिए। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग मोबाइल ऐप से कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइट से पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग से पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग और बहुत तरीके की वेबसाइट्स हैं, क्लिकिंग कर करके पैसा कमा रहे हैं, एड्स पे क्लिक करना पड़ता है, एक क्लिक का आपको इतना मिलता है। आप लोग ये बहुत सारे कंसेप्ट आज तक सुनते आते होंगे। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट सारे के सारे जेन्युइन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो एक्चुअल में वो डायरेक्शन क्या है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मुझे काम करना है। अगर मुझे मोबाइल ऐप से अर्निंग होती है, तो वो मोबाइल ऐप मुझे किस टाइप की बनानी चाहिए। एक्चुअल में मोबाइल ऐप से अर्निंग होती है, वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, बट एक्चुअल में वो वेबसाइट क्या होगी, आप वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे, आप वेबसाइट को किसको दिखाएंगे, जिसको आप वेबसाइट पे एड्स कैसे लेंगे। टेक्निकली टर्म्स में इसको पेपर क्लिक कंसेप्ट बोलते हैं, पीपीसी। मैंने आपको शायद पहले बहुत सारी वीडियोस पहले भी बताया था, आपको पीपीसी कंसेप्ट बोलते हैं। पीपीसी कंसेप्ट जनरल सा ये है कि अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है, पहले तो हर कोई ट्राई करता है कि वो उसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो कि गूगल एडसेंस से आपकी एड अप्रूव हो जाए, ताकि गूगल से आपको एड मिले, उससे आपकी वेबसाइट पर डेली जितने भी इंप्रेशन आएंगे, जितने भी उस एड्स पे क्लिक होगा, उससे आपके अकाउंट के अंदर अर्निंग आती रहती है गूगल एडसेंस से। ये भी एक जेन्युइन कंसेप्ट है, बट हमारी वो वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, अब ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकंड, मोबाइल ऐप। थर्ड, जो वेबसाइट आप लोग डिजाइन के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही वेबसाइट को सेल करना, एक टेक्निकली कंसेप्ट में बोलते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग। आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप उसको वेबसाइट को सेल कर देते हैं, तो आपकी सेलिंग से भी आपकी इनकम होती है। ऐसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि पीटीसी साइट्स, ऐसी एक और साइट्स होती हैं जीपीटी साइट्स। मैं इनको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। आज मैं इस वीडियो को सिर्फ एक जनरली पॉइंट्स बता रहा हूँ। मेक मनी विद मोबाइल ऐप, यस होती है। मेक मनी विद वेबसाइट, यस होती है। मेक मनी विद ब्लॉग्स, मेक मनी विद यूट्यूब चैनल, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिससे आप ऑनलाइन बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं, आपका अर्निंग का लेवल क्या है, तो आप अपने पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहाँ तक शेयर कर रहे हैं, कितने लोग आपके कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सेकंड थिंग, अगर मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग की बात करूं, आजकल आपने सुना होगा अपने लोग अपने पुराने स्टफ को भी क्विकर और ओएलएक्स जैसी वेबसाइट के ऊपर सेल कर देते हैं, तो उससे भी एक मनी मेकिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नहीं भी है, लेकिन आप किसी और के प्रोडक्ट को अगर ओएलएक्स और क्विकर पे ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उससे भी आप कमीशन में अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अपने कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज करके अमेजोन, ईबे, इतने बड़ी बड़ी जो हमारे वेब पोर्टल्स हैं, इतने बड़े बड़े जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इनके आप एफिलिएट मार्केटर बन के भी आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एक गुड फोटो शूटर्स हैं, आप फोटो डिजाइनर्स हैं, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज बनानी आती है, फोटो को कैप्चर करना आता है, तो आप फोटोज को ऑनलाइन सेल करके भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर थोड़ा सा आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप डोमेन ट्रेडर बन सकते हैं, तो डोमेन ट्रेडर क्या है कि आपके पास, आपको जैसे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नेम हैं जिनके जो लोग जिनके डोमेन नेम को सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे, अगर आप वो सारे डोमेन अपने मतलब हायर करके पर्सनल परचेज करके अपने पास रख लो, तो आप डोमेन को भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऐसे अगर आप थोड़े से एजुकेशन में आना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको आपको कहीं कोचिंग प्रोवाइड करनी है, या आपको अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पे आपको
स्टूडेंट्स में मिल जाएंगे और वो आपको ऑनलाइन पे आउट भी करते हैं, जिससे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या ऑनलाइन किसी कंसेप्ट की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके भी ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सर्वेस कंप्लीट करने होते हैं, वो सारे के सारे सर्वेस पेड सर्वेस होते हैं, आप सर्वेस को कंप्लीट करके भी आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट के ऊपर आप कैप्चा सॉल्वर बन सकते हैं, कैप्चा सॉल्वर बनकर भी आप बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं, माइक्रो वर्कर बन के भी आप बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अच्छी नॉलेज है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी ऑनलाइन बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑनलाइन मनी मेकिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रो वर्क, वर्चुअल असिस्टेंट, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, वेबसाइट्स, फोटो सेल्स, सेल योर ओल्ड स्टफ, ऑनलाइन सेलर ऑन अमेजोन, ईबे, इफ अगर आप और एक और अच्छी बात बताता हूँ, अगर आपको लिखने की अच्छी आदत है, अगर आपको लिखना अच्छा आता है, तो आप अपने कंटेंट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। और अगर आप कंटेंट अगर अगर बिल्कुल सही जगह पे अपने कंटेंट को पब्लिश करते हैं, तो आपको कंटेंट राइटिंग का भी बहुत सारा काम मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे कंसेप्ट हैं और इन सारे कंसेप्ट से बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास सही गाइडेंस होनी चाहिए कि हम लोगों को एक्चुअल में काम करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम मिल जाता है ऑनलाइन, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग हो सकती है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ना एक सिंपल से टिप्स बताए, एक सिंपल से बेसिक बेसिक ओवरव्यू से बताया कि किन किन कंसेप्ट से ऑनलाइन अर्निंग होती है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग मोबाइल से कैसे अर्निंग करते हैं, हम लोग वेबसाइट से कैसे अर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज ऑन द राइट ट्रैक आप लोगों को आपके मोबाइल पर या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप डिवाइस पर उसी टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।